प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारी जो कहानियों की और मोटिवेशनल स्टोरीज़ की जो श्रृंखला चल रही है, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से उसे सुन रहे होंगे। और आज का जो मैंने विषय लिया है, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु की सीख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आज हम यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेंगे उस विषय को लेकर के कि हमारे जो गुरु होते हैं वो अपने विद्यार्थियों के प्रति कभी भेद दृष्टि नहीं रखते हैं। भेद का मतलब किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी में सुना होगा कि तीन विद्यार्थियों को गुरु ने शिक्षा दी और जब परीक्षा लेना चाहा तो परीक्षा में किस तरीके से एक विद्यार्थी जो था बहुत अच्छे से उनकी बातों को सुना और परीक्षा को किस तरीके से देना चाहिए उसके लिए तैयार किया अपने आप को, परीक्षा में वो सफल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये जीवन में जो परीक्षाएं हैं कभी हमारे ख़त्म हो जाएंगी। जब तक हमारा विद्यार्थी जीवन है तब तक ये परीक्षाएं हमारे साथ चलेंगी और व्यावहारिक जीवन में भी परीक्षाएं हर क्षण हमारे साथ रहती हैं। पहले जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें विद्या अर्जन करने के बाद विद्यार्थी जब सफल होते थे तो अपने व्यावहारिक जीवन में वो प्रवेश करते थे और अपना नाम रोशन करते थे। परंपराएं आज भी हैं, परीक्षा पहले भी होती थी आज भी हो गई हैं। आज मॉडर्न एज में हम मॉडर्न युग में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर परीक्षा हमारे साथ आज भी चल रही है। तो विचार विश्लेषण ये है हमारा कि गुरु ने शिक्षा विद्यार्थियों को समान रूप से दी, फिर उनके परीक्षण में परिवर्तन कैसे आया, परिणाम में परिवर्तन कैसे आया, डिफरेंस क्यों रहा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे किसी क्लास में यदि 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, जब टीचर आपकी क्लास में आते हैं जो भी आपका विषय होता है उस विषय को वो बड़ी मेहनत के साथ तैयार करके आते हैं, आप लोगों तक अपना श्रेष्ठ देने की वो कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं किसी से पीछे ना रहें, उनकी जानकारी अधूरी ना रहे। बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो भी उन्हें समय मिलता है उसमें वो अपना उस विषय को संपादित करते हैं, आप लोगों तक समझाते हैं, पहुँचाते हैं। तो आप विचार कीजिए, आपका स्कूल एक है, आपका गणवेश एक है, आपकी क्लासरूम एक है, आपका पाठ्यक्रम एक है, क्लासरूम एक है, आपकी जो बुक है उसका जो चैप्टर है वो सबकी एक है। जब सब चीज़ें एक सी हैं, हमारी एक ही है और शिक्षक भी वही एक जो विषय अनुसार आपको अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, तो क्या कारण है कि फिर जो परीक्षा परिणाम होता है वो डिफरेंस उनमें आता है। कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आता है, कोई थोड़ा सा उससे कम लेकर के आता है, तो क्या शिक्षक ने किसी को कम दिया या किसी को ज़्यादा दिया, क्या कारण है ऐसा? आज हम उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग हायर स्कोरिंग कर जाते हैं उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वो ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ उन शिक्षक की बातों को, जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उस विषय में जो आपका लेसन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरे फोकस होकर के। कुछ लोग शोर मचाते हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? जो आपको 40 मिनट मिले हुए हैं उस 40 मिनट में अगर हम उस विषय के जो सार को ग्रहण कर लेंगे तो वह उससे फ़ायदा हमारा ही तो होना है। वही हमें से परीक्षा के समय हमसे पूछा जाएगा और उसे ही हमें परफॉर्म करना होता है। जो बहुत अच्छे ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं। और जो इग्नोर करते हैं, शिक्षक को सुनना पसंद नहीं करते हैं या उनकी क्लास में कुछ शरारतें हम करते हैं, उसका परिणाम शिक्षक को नहीं भुगतना पड़ता। उसका परिणाम अगर कोई भुगतता है तो वो विद्यार्थी स्वयं को। इसे गंभीरता से लेना है आपको, क्योंकि जरा सी चूक अगर आपसे हो गई तो आप ही के बीच जो साथी हैं उनमें से कोई एक बहुत आगे निकल जाएगा
और हम पीछे रह जाएंगे। शिक्षक ने भेद नहीं किया, सबको समान रूप से वो लेक्चर था डिलीवर किया, जो पाठ का एक्सप्लेनेशन था वो समान रूप से किया, लेकिन आप ही में से कोई श्रेष्ठ प्रदर्शन कर जाता है, कोई बस इस तरह प्रदर्शन कर पाता है। तो कोशिश ये करें कि यदि हमारी किताब एक, यूनिफॉर्म एक, स्कूल एक, क्लास एक, वो कमरा एक, साथी सब हमारे साथ के हैं, तो रिजल्ट भी सबका एक ही होना चाहिए, सारे के सारे विद्यार्थियों का, और एक विषय में नहीं सारे विषयों में। तब हम समझ लेंगे कि हमने अपने साथ जस्टिस किया है, हम अपने साथ जस्टिस नहीं करते हैं कभी, इस वजह से जो परिणाम होता है उसमें भेद आ जाता है। तो ये जो सेल्फ जस्टिस है ना, इसका मूल्य अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, कहीं ना कहीं हम या व्यापार करेंगे या कहीं जॉब करेंगे, तो वहाँ पर ये जो हम आपको बारीकियाँ सिखा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, मॉरल सेशन के साथ माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, जो कि आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शिक्षक जो है शिक्षा तो दे ही रहे हैं विषय की, साथ में वो आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, छोटे छोटे से वक्तव्य के माध्यम से, छोटे छोटे से उदाहरण के माध्यम से, अगर आपने इन्हें आत्मसात करने की कोशिश की, तो ये मेरा आपसे दावा है, चैलेंज है, कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ में अलग अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही हम सब शिक्षक साथियों का एक प्रयास है, आप लोगों की यही हमारी दुआ है आपकी, कि जब आप भीड़ में जा रहे हों तो आपका जो पीछे का ओरा है अलग ही दिखाई दे, कि इसमें कोई विलक्षण बात जरूर है, ये विलक्षण है, ये साधारण नहीं है। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में जब भी, अभी चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हों या आपकी जब ऑफलाइन क्लासेस लग रही हों, तो जिस समय शिक्षक आपके सामने हों तो उन्हें बड़े शिद्दत के साथ सम्मान करें, उनका जो भी विषय है उसे बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो 40 मिनट में अपने 40 घंटों की मेहनत, 4 वर्षों की मेहनत, कुछ शिक्षक अपने 40 वर्षों की मेहनत आपको देने की, जो अनुभव है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उसे अपना लिया तो जीवन में पीछे नहीं रहने वाले दोस्त, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हम सभी का यही प्रयास रहता है कि हमारे सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, क्योंकि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे अदृश्य रूप से शिक्षकों की जो सीख होती है, जो निर्देश होते हैं, जो शिक्षा होती है, वो काम करती है हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमें कैसा व्यवहार करना है, ये छोटी छोटी सी व्यक्तित्व निर्माण की बातें आप लोग सीख रहे हैं हमारे इस स्टोरी सेशन के माध्यम से, वो आपको जीवन में सफल अवश्य करेंगी। इसलिए विचार करिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वाकई में शिक्षक एक हैं, सबकी कुछ एक है, तो परिणाम में भेद क्यों। आज से आप संकल्प लेंगे, एक जो पुरानी स्टोरी थी गुरु की सीख वाली, उसको ध्यान से सुन करके एक संकल्प ले लें आज, कि वाकई में हम हर शिक्षक का सम्मान करेंगे, और साथ ही में जो उन्होंने सीख दी है उसे आत्मसात करके, और कोशिश ये करेंगे कि उस क्लास का परिणाम सारे विद्यार्थियों का एक सा हो, जो श्रेष्ठ हो, उसमें कोई भी भेद ना हो, तो ये मान के चलिएगा वो हम सभी के लिए एक आश्चर्यजनक स्थिति होगी, कि देखिए सभी विद्यार्थियों ने हमें ध्यान से सुना, हमारे जो लेसन्स थे, सीख थी, उन्हें आत्मसात किया और उन्होंने उसे अप्लाई किया, और अप्लाई करके अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये स्टोरी सेशन आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए है, जो खाली नहीं रहेगा आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपको कई बार कुछ चीज़ें हजारों लाखों रुपए खर्च करने पर नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें आपको सहज सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। अपना सौभाग्य समझिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है, जिसके माध्यम से हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। हैव अ नाइस डे।